बल्लेबाजी कर रहे हैं जो हमारे स्कोर बताएंगे 27 रन पर बैटिंग कर रहा है परवेज कितनी गेंदों पर 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर परवेज बल्लेबाजी करता हुआ और केवटी अपने बॉलिंग मार्ग पर लगभग 10-15 कदम का उनका रनअप है और उनके सामने है परवेज चले करता हुआ परवेज केवटी अपने पंद्रह मार्ग पर और 4 रनों के सहारे स्कोर 37 रन केवटिया चले और इस बार और ये तहरीज अंपायर का इशारा बताएंगे सब तक अंपायर नहीं बताएंगे हम फिलहाल तो बड़े घर से चला पड़ेगा पीछे वाले को भी देखने को प्लीज आज खचा खच भरा हुआ और अब दर्शकों की अंपायर के साथ 4 रन और परवेज ने पाते ही जब यहां से बल्लेबाजी के लिए निकले थे परवेज तो वही सही ग्राउंड से ही जो चौके दो लगा कर गए हैं परवेज अगर एक चौका और लगाते हैं परवेज तो 1100 रुपए का इनाम है उनके लिए अगर एक चौका काप चले साथी की तरफ से चले और एक जो अपना जो जब परवेज बल्लेबाजी लगातार शॉट लगा रहे थे तो केवटिया ने एक आज एम्पायरों को पानी की व्यवस्था दी आज और एक सफलता दिलवाई है और मैं और कोई स्कोर बता देता हूं मैं पैतालीस रन स्कोर अभी जो बता लेता हूं दर्शकों और टू फोर मेरा पर जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए 45 रन 2 विकेट 14 ओवर चले केवटिया बिल्कुल कलंद के सफर जहां से मोहित थे गए थे पिछले मैच के अंदर मोहित है मोहित लेकिन मोहित होते हाथों पर करे बल्लेबाज ये बल्लेबाज मोहित होते हाथों पर करे बल्लेबाज मोहित होते बल्लेबाज मोहित है
राजकुमार जी ने जो मोहित है, मैं बता दूं ये जो बहुत बड़ा जो मोहित है इस टाइम इन फॉर्म बल्लेबाज है, हर मैच के अंदर चले हैं और इस चार रन के सहारे उसको 49 रन और चलता हुआ चौथा अंदर की पहुंच से दूर और जारी रन और चार रन और शतक पूरा। हम अपनी पहुंचाने के लिए स्वतः जुड़ेंगे 30 लाख और हमारे दर्शक जुड़ेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन, चार ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 53 रन 2 विकेट और इस ओवर में 5 चौके आए हैं और 1 विकेट। जो दुनिया का पहला ओवर धुना था उसका हिसाब तो बराबर कर लिया है। अब इकलास का जो ओवर था वो देखना है क्या होगा। और दर्शकों सुनते रहे, ये मोहित है जो हैट्रिक पर है, मोहित जो है वो हैट्रिक पर है। अगर अगली गेंद पर भी चौका लगा देते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार पाने में मैं बता दूं राजकुमार जी। और फिलहाल मैं आपको बताऊं, हाँ फिलहाल नॉन स्ट्राइक पर है। जब स्ट्राइक पर आएंगे अगर मोहित एक चौका और लगा देते हैं तो हैट्रिक हो जाएगी चौकों की और 1100 रुपए हमारे पास भाई शादी खान उनकी तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार है। और तब आए हैं छोटे, खतरनाक कहा जाता है उनको, भूत विशाच निकट नहीं आए और महादूर उनके छोटे जब नाम सुनाए और अब मैच छोटे और स्ट्राइक पर है अंशारी। और इस बार ये भी हमारी जो कमेटी के जो सदस्य है क्या बोलते हैं कि भाई दो बोतल पानी लेकर अंपायर को पहचान पर्ची लिख दी हमने। ये हमारे अंपायर जो प्यासे है और ओवर चलता हुआ 5वां चले चले चलता हुआ सन सुंदर दास नगर के इस स्टेडियम के अंदर खचा खच भरा हुआ, जैसा सोचा था दर्शक होने वैसा मैच मिलता हुआ उनके लिए। और स्ट्राइक पर है अंसारी और नॉन स्ट्राइक पर है अभी भी मोहित जमे हुए दो विकेट जमीन हुए वहां पर फिलहाल छोटे अपने बड़ी मार्ग पर। और अब जो एवरेज बड़े अच्छी लेकर चल रहा है चले सुल्तान अंसारी सुनने और दर्शक भी सुनने। अगर तीसरा छक्का लगाते हैं तो हमारे काफ बोलर भाई शादी खान दिल खोल दिया है क्रोध का खजाना। 3100 रुपए का पुरस्कार है, 3100 रुपए का पुरस्कार है अगर इस गेंद पर भी और छक्का लगाते हैं तो। हमारे काफ का मुकाबला चलता हुआ दर्शक चले वाइन इनाम है उनके लिए। मैं बता दूं जो स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन, दर्शक जो 2 लाख दर्शक है उनको मजा आता हुआ शब्द सुंदर दास नगर स्टेडियम के अंदर। ये हमारे अध्यक्ष आदर सलमान अकबर हुसैन एक नाम बन गए हैं इस टूर्नामेंट सीरीज के अंदर। अंसारी अली यहां की पड़े छक्के की पर अगर छक्का लगाते हैं तो 3100 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए। और बाकी छोटे चले चलता हुआ और अभी भी हैट्रिक पर है सुल्तान अंसारी। दिल्ली में तो पूरा डंका बजा चुके हैं, क्या सीकरी के संग सुंदर दास को पूरा डंका बजाएंगे ये सुल्तान अंसारी देखना ये पड़ेगा। बड़ा मुकाबला चलता हुआ आपके कस्बा सीकरी में एक बार फिर चले छोटे। और इस बार गेंद मारिए वहां पर लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे और इस एक रन के सहारे बढ़ता हुआ
अर्षद अब मोहित आ गए इनके लिए भी, मोहित चौकों की हटने के लिए है। अगर ये चौका लगा देते हैं तो 1200 रुपए हमारे पाप प्रणव शादी की तरफ से पुरस्कार मिलेगा और इसको बढ़ता हुआ इसके सहारे अर्षद मन अभी इस ओवर के बाद हम आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे और छोटे अपने बॉलिंग मारकर और उनके सामने है मोहित। हाँ मैं थोड़ा बता के आपको बोलूंगा चल और ये अच्छी गेंद पिस्टल पर शीट शूट खेलना चाहते थे बीट हो गए
और गए विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। तो अब यहां पर जो है विकेट नहीं मिला तो फिर भाग ली पूरी तरह दबाव में निकाल दिया, एक रन जरूर मिल जाएगा, लास्ट फील्डर मौजूद लेकिन एक रन से नहीं रोक सकेंगे। और इस एक रन के साथ बढ़ता है ये गया, ये गया रन कर सकते हैं। ये ग्यारह स्टेज जा रहा है, पुलिस खेल बोर्ड है, पुलिस से मिले गए, पुलिस से मिले गए, जब मिला गए स्टेज गिर रहा है, स्टेज से कर जाए, स्टेज से कर जाए भाई, गिर गया पूरा स्टेज, ये हमारे मंदिर इनको बता रहे हैं और पुलिस से मिला जो स्टेज से बताओ इनको निकाल दिया है पास लेना चाहते हैं और तब तक छोड़ा है और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ते हैं। तिरासी रन है और दो विकेट, डॉक्टर आरिफ के साथ नवासी रन को विकेट था तो वशिष्ठ अतिथि डॉक्टर आरिफ हमारे मैच में आ चुके हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरिफ हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने वीआईपी बॉक्स में। आज के हमारे मुख्य अतिथि मैं बने सिंधु हमारे जो सबसे सहारे बने सिंधु से थोड़ा मेरे कर्म जो स्टेज गिर रहा है और ये भाई मेरे हाथ में थोड़ा मेरा उनसे अनुरोध है और हम अपने थाना पुलिस के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज उन्होंने अखंड रात हमारे लिए इतनी मेहनत की है और जो हमारा जो स्टाफ है तीन तीन थानों से जो हमारे एसएचओ है श्रीमान धारा सिंह जी, श्रीमान राम नरेश मुंडा जी, श्रीमान पूरण चंद जी, गणेश सिंह जी, हमारी खेल विकास समिति सी टीम का तभी से धन्यवाद करती है। और मैच जो अंसारी अब तक जो शांति था उनका बल्ला, वो जो अंसारी है सुल्तान अंसारी अब तक उनका जो बल्ला शांत था आज अपने बल्ले का सही तौर पर मुंह खोला है और स्कोर बढ़ता हुआ इस बीच में कम से कम स्कोर बता देता हूं आपको, छह ओवर नवासी रन दो विकेट पंद्रह दिवसों से लेकर चलता हुआ बरकरार रखेंगे पंद्रह की टीम में सिद्ध राजकुमार जी ने बता दिया आपको और चाहिए उनको दस की दस पॉइंट बीस की लेकिन औसत लेकर चल रहा है पंद्रह की तो राजकुमार क्या कहिए। तो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर आरिफ खान जी पधार चुके हैं, नगर पंचायत प्रधान डॉक्टर आरिफ खान, नगर पंचायत प्रधान डॉक्टर आरिफ खान और निर्भर खेला है लेकिन भाग्यशाली रहे खिलाड़ियों की पहुंच से मुक्के का हुक्का फूक चुका है, मुक्के ने हुक्का सुलझा लिया अपना, गुफा में बैठ जाता है जब। तो यहां पर छात्री को यदि मैच में आना है तो जोड़ी तोड़नी होगी वरना तो फिर ये खतरा बनता जा रहा है मुक्का का तो छात्री के लिए। मेला जरूर है दोनों बल्लेबाज अपने पर इतने दूसरे मिल जाएगा पैरन पूरे तो कुल स्कोर बढ़ता हुआ। तो हमारे मेरे चाहे हैं तारा सिंह जी ऐसे चौखो तो मैच अब ये है अगर यहां पर चलो एक बार रुक जाओ अगर उस जोड़ी को तोड़ता है सात विकेट लेता है तो बोला के जो सरपंच से कम ग्यारह सौ रुपए का पुरस्कार है एक विकेट के लिए, जो सरपंच से कम उनकी तरफ से ग्यारह सौ रुपए का पुरस्कार है और पांच सौ रुपए शायद कारपोरेट भाई साधु खान की तरफ से है, एक विकेट पर सोलह सौ रुपए का पुरस्कार है। और उधर दोनों ही जो सुल्तान अंसारी खिलाफ अपने साथ मोहित और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है
चले राजू हाँ समरूपुर एस डी मोटर्स हमारी कमेटी के लिए हमारे खेल विकास का 2100 रुपये देते हैं और हम उनका हमारे खेल विकास समिति धन्यवाद करते हैं। और निकाला है गन्ने पटर मौजूद है वहां पर बड़ी अच्छी बिल्डिंग काफी तारीफ बिल्डिंग करना है जो पौधे की बिल्डिंग है और जो एक शानदार साधन अपनी टीम के लिए बनाए। अब मैं जो और इस एक रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर 94 रन और ओवर चलता हुआ 7 ओवर और 2 विकेट और उधर दोनों अच्छी पार्टनरशिप में दोनों की पार्टनरशिप कितने रन की हो रही है हमारे बिंदर जी बताएंगे वो और आइए 49 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज वो मोहित और अंशारी है। चले अंशार अब अंशारी जानते हैं जो एवरेज का दबाव था वो मैंने कम कर दिया है अब सुंदर नगर से खेलते हुए अंशारी और 101 रन के सहारे पर पड़ रहा स्कोर 91 रन इस ओवर को दो और 50 रन की साझेदारी कर चुका है मोहित और अंशारी और अब मैं अपनी टीम बोर्ड के श्रोताओं के लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी कुल स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति पर 91 रन और 2 विकेट और आगे का हाल जानने के लिए भाई राजकुमार जी भी है जुनेद भी है शाहरुख भी है हम लेते रहेंगे बीच बीच में से भी आपको मशवरा तो क्या कहते हैं राजकुमार जी। तो जुनेद जी मुझे बड़ा तोतर्रा शुरुआत कर रही है तो आपका अनुभव क्या कहता है। मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि मैच 50-50 होगा और क्या आतिशी पारी यहां से खेली है मोहित और अंसारी ने। अगर इस तरह से तेज तर्रार उनके रन चलते रहे और अंसारी तो क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं जहां पर सिंगल डबल क्या हो सकता है सिंगल डबल और कोई कमजोर बॉल अगर उनको मिलती है तो उसको दर्शक दीर्घा में भेजने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से मशवरा जरूर कर रहे हैं यहां पर जातली के कप्तान क्या तब्दीली करेंगे गेंदबाजी में और क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो शाहरुख खान जी अब आपका अनुभव क्या कहता है यहां पर। तो इसके बाद हम शाहरुख खान जी से भी उनका अनुभव प्राप्त करेंगे यंग है छोटे यंग से जब मैं कमेंट्री शुरू करी थी जब ये पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने क्रिकेट की कमेंट्री शुरू करी थी इनका जन्म नहीं हुआ था तब 25 वर्षीय है बॉलर है रवि तेवतिया और पुण्य स्कोर है और निकाला है और मैं बल्लेबाज
अच्छी गेंद निकाल रहा है, एक रन जरूर मिलेगा दूसरे की तैयारी में, लेकिन एक रन से संतुष्ट और स्कोर बढ़कर 96 रन पर। नए बल्लेबाज का नाम है अरविंद, अरविंद तो शाहरुख खान जी अब आपका अनुभव क्या कहता है? रवि देव की जितनी तारीफ की जाए उतने कम, पूरे पूरे चीज गति के साथ बॉल पर झपटे और उसके साथ डायरेक्ट हिट, बहुत कमाल। लेकिन अंसारी को क्या जरूरत थी यहाँ पर ऐसा रन डाल देंगे, ये विकेट मुक्का आएगा बस के लिए, तब ही विकेट हो सकता है, लेकिन रवि को यहाँ से स्कोर पहुंचता हुआ 96 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर चलता हुआ। तो बतिया चले गेंद उसके अंदर ड्राइव कर दिया खूबसूरत तरीके से, झटते इस बार पेड्रो पूरे मैच में जबरदस्त फील्डिंग की है, पेड्रो ने जबरदस्त सुंदर है, फिट नजर आ रहा है अपने बॉडी लैंग्वेज से, तारीफ करनी होगी तेवतिया की, दबाव में उनके ऊपर काफी सारा दबाव था, अंसारी और मोहित जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, एक बार फिर चले गेंद उसके अंदर सम्मान दिया उसने स्कोर बढ़ता हुआ 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैं तारीफ कर रहा था पेड्रो की, उन्होंने इस बार कर भी दिखाया, तेजी के साथ झपटे उसके बाद डायरेक्ट हिट, लेकिन जब तक बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंचा निश्चित तौर पर। तो मैं और अब बता दूंगा जो जरूर चल चुका है, 8 ओवर की समाप्ति पर 101 रन और 3 विकेट, और हमारे स्कोर बताएंगे कितनी रन पर कितने रन चाहिए नहीं, और चलिए और 1 रन के लिए विकेट पड़ गए वहां पर, और 1 रन और 2 रन के लिए विकेट पड़े हैं, और 2 रन और इन दो रनों के सहारे पड़ता हुआ स्कोर 103 रन और फिर जीरो और जीते रन। तो चौकों की हैट्रिक पर 200 रुपए और छक्कों की हैट्रिक पर 300 रुपए बिलाल नंबरदार की तरफ से।
मिलाद और मरदार नामल की तरफ से। बस भाई तो ये इनाम है उनकी तरफ से, मिलाद जी की तरफ से। तो कुल स्कोर है बाबू। हाँ भाई साहब आशीष, तो कुल स्कोर 103 रन 3 विकेट पर। अच्छी गेंद हवा में जरूर लेकिन सुरक्षित रन दे सहारा स्कोर बढ़कर 104 रन 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मुक्का एकादश कांटे का मुकाबला चलता हुआ आपके भी दिलों की धड़कन मान सकता है। आने वाले टाइम में ही मैच करीम होटल वसीम भाई की तरफ से छक्कों की होटल पर 1100 रुपए और फुल खाना 1100 रुपए और फुल खाना। एचडी मोटर्स होटल तरफ से हर छक्के पर 500 रुपए का इनाम और 500 रुपए का इनाम आ गया है। यहां से छक्के का इनाम में बता दूं आपको और इस छक्के के सहारे उछल का मुक्का स्कोर 110 रन और इस नदी मोहित मौजूद है विकेट के ऊपर और बड़ा तगड़ा मुकाबला चलता हुआ। मैं बता दूं दर्शकों अगर यहां पर हाजी निजाम और मुक्का की टीम अगर यहां पर इस मैच में ये बहुत बड़ा पेड़ अगर इस मैच को जीतते तो फिलहाल चले मोहित बड़े अच्छे काबिल तारीफ हर मैच के अंदर इन भर्म बल्लेबाज है जो मोहित है हर मैच के अंदर उन्होंने बल्लेबाजी का अपना परचम लहराया वहां पर। और फिलहाल अपने बॉलिंग मैच पर आशीष अब उनको सामना है। चले चले और इस बार अच्छी गेंद है 2 रन के लिए और इस 1 रन के सहारे पड़ता हुआ स्कोर 111 रन। और हाँ मैं आपका शुक्र बता देता हूं 9 ओवर 111 रन और 3 विकेट और अब रन चाहिए 66 कहने पर कितने रन चाहिए थोड़े हमारे उसको बताइए। हाँ 66 गेंद में 93 रन चाहिए हाजी निजाम को जीतने के लिए उनको 7 विकेट चाहिए झारखंड को। 66 गेंद में 93 रन राजू क्या कहेंगे। अब जो मैच है वो लगभग 60% मुक्का एकादश की तरफ है और 40% जो है झांकने की तरफ है। फिलहाल की जो सिचुएशन है हाँ यहां पर एक आध विकेट लेता है तो फिर मैच 50-50 हो जाता है। छक्कों के हैट्रिक पर 500 रुपए और चौकों के पर 200 रुपए मिलाल लंबरदार नामल की तरफ से। मिलाल लंबरदार नामल वाले जिनकी लीज चलती है इलाके में तो मैच में अगर यहां पर झांकनी को वापसी करनी है तो ये मोहित एंड कंपनी का विकेट निकालना होगा। और भाई ये स्टेज जो है गिर चुका है स्टेज गिर चुका है और पता नहीं कितने आदमी दब चुके हैं भाई और मैच को थोड़ी देर रोका गया है।
कोई कमेंट भी आ रहा है?